उद्धर तुकामो संकादि सिद्धादिने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के सभी शब्दों के निर्वचन के लिए करीब 4000 सूत्रों की रचना की, जो अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में वैज्ञानिक ढंग से संग्रहित है। ये सूत्र वास्तव में गणित के सूत्रों की भांति हैं। जिस तरह से जटिल एवं विस्तृत गणितीय धारणाओं अथवा सिद्धांतों को सूत्रों फॉर्मूले द्वारा सरलता से व्यक्त किया जाता है, उसी तरह पाणिनि ने सूत्रों द्वारा अत्यंत संक्षेप में ही व्याकरण के जटिल नियमों को स्पष्ट कर दिया है। भाषा के समस्त पहलुओं के विवेचन हेतु ही उन्हें 4000 सूत्रों की रचना करनी पड़ी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में प्रकरणों तथा तत्संबंधित सूत्रों का विभाजन वैज्ञानिक रीति से किया है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी को 2 भागों में बांटा है। प्रथम अध्याय से लेकर 8वें अध्याय के प्रथम पद तक को सपाद सप्ताध्यायी एवं शेष 3 पदों को त्रिपादी कहा जाता है। पाणिनि ने पूर्वत्रासिद्धम सूत्र बनाकर निर्देश दिया है कि सपाद सप्ताध्यायी में विवेचित नियमों सूत्रों की तुलना में त्रिपादी में वर्णित नियम असिद्ध हैं। अर्थात यदि दोनों भागों में वर्णित नियमों के मध्य यदि कभी विरोध हो जाए तो पूर्व भाग का नियम ही मान्य होगा। इसी तरह सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत आने वाले सूत्रों नियमों में भी विरोध दृष्टिगोचर होने पर क्रमानुसार परवर्ती बाद में आने वाले सूत्र का प्राधान्य रहेगा। विप्रतिषेधे परम कार्यम। इन सिद्धांतों को स्थापित करने के बाद पाणिनि ने सर्वप्रथम संज्ञा पदों को परिभाषित किया है और बाद में उन संज्ञा पदों पर आधारित विषय का विवेचन। संक्षिप्तता बनाए रखने के लिए पाणिनि ने अनेक उपाय किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विशिष्ट संज्ञाओं टेक्निकल टर्म्स का निर्माण। व्याकरण के नियमों को बताने में भाषा के जिन शब्दों बटा अक्षरों समूहों की बारंबार आवश्यकता पड़ती थी, उन्हें पाणिनि ने एकत्र कर विभिन्न विशिष्ट नाम दे दिया, जो संज्ञाओं के रूप में अष्टाध्यायी में आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रसंगों में प्रयुक्त किए गए हैं। नियमों को बताने के पहले ही पाणिनि वैसी संज्ञाओं को परिभाषित कर देते हैं, यथा माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार, इत टी नदी, घु पद, धातु प्रत्यय, अंग निष्ठा इत्यादि। इनमें से कुछ को पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती व्याकरणों से उधार लिया है, लेकिन अधिकांश स्वयं उनके द्वारा बनाए गए हैं। इन संज्ञाओं का विवरण आगे दिया गया है। व्याकरण के कुछ अव्ययों यथा धातु प्रत्यय उपसर्ग के विवेचन में पाणिनि को अनेक नियमों सूत्र की आवश्यकता पड़ी। ऐसे नियमों के निर्माण के पहले प्रारंभ में ही पाणिनि उन संबंधित अव्ययों का उल्लेख कर बता देते हैं कि आगे एक निश्चित सूत्र तक इन अव्ययों का अधिकार रहेगा। इन अव्ययों को वे पूर्व में ही संज्ञा रूप में परिभाषित कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में पाणिनि प्रकरण विशेष का निर्वचन उस प्रकरण की मूलभूत संज्ञा यथा धातु प्रत्यय इत्यादि के अधिकार कवरेज में करते हैं, जिससे उन्हें प्रत्येक सूत्र में संबंधित संज्ञा को बार बार दोहराना नहीं पड़ता है। संक्षिप्तता लाने में यह उपकरण बहुत सहायक है। अनुवृत्ति सूत्र शैली में लिखे गए ग्रंथों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अनुवृत्ति। प्रायः एक उपविषय से संबंधित सभी सूत्रों को एकत्र लिखा जाता है। दोहराव न हो इसके लिए सभी सर्वनिष्ठ कॉमन शब्दों को सावधानी पूर्वक निकाल लिया जाता था और उनको सही जगह पर सही क्रम में रखा जाता था। अनुवृत्ति के अनुसार किसी सूत्र में कही गई बात आगे आने वाले एक या अधिक सूत्रों पर भी लागू हो सकती है। एक उदाहरण देखिए। अष्टाध्यायी का सूत्र ना झलो इज इक्वल टू न अचलो है। जब हम ना झलो न अचलो का अर्थ निकालते हैं, तो यह ध्यान में रखना होगा कि इसका अकेले मतलब न निकाला जाए, बल्कि इसका पूरा मतलब यह है कि इसके पूर्व सूत्र में कही गई सवर्ण से संबंधित बात अचलो अच और हल प
पर लागू नहीं न होती है। अर्थात सूत्र को केवल ना झलो न पढ़ा जाए बल्कि अछलो सवर्णो न पढ़ा जाए। शब्दों पदों के निर्वचन के लिए प्रकृति के आधार पर पाणिनि ने 6 प्रकार के सूत्रों की रचना की है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रम मतम। संज्ञा सूत्र नामकरणम संज्ञा तकनीकी शब्दों का नामकरण। परिभाषा सूत्र अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। विधि सूत्र विषय का विधान। नियम सूत्र बहुत्र प्राप्तो संकोचनम हेतु। अतिदेश सूत्र जो अपने गुणधर्म को दूसरे सूत्रों पर लागू करते हैं। अधिकार सूत्र पात्तस्य अन्यत्र व्यापार अधिकार। पाणिनीय व्याकरण के 4 भाग अष्टाध्यायी। इसमें व्याकरण के लगभग 4000 सूत्र हैं। शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र यह प्रत्याहार बनाने में सहायक होता है। प्रत्याहार के प्रयोग से व्याकरण के नियम संक्षिप्त रूप में पूरी स्पष्टता से कहे गए हैं। धातु पाठ इस भाग में लगभग 2000 धातुओं क्रियामूलों की सूची दी गई है। इन धातुओं को विभिन्न वर्गों में रखा गया है। गण पाठ यह 261 गणों में पदों का संग्रह है। पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन के लिए आवश्यक बातें प्रत्याहार इत्संज्ञक अधिकार अनुवृत्ति अपकर्ष संधिविषयक शब्द एकादेश पररूप पूर्वरूप प्रकृति भाव आदि कुछ ज्ञातव्य संज्ञाएं अनग प्रतिपदिक पद भ संज्ञा विभाषा उपधा ती संयोग संप्रसारण गुण वृद्धि लोप आदेश आगम शब्द सिद्धि में सहायक कुछ अन्य उपाय। पाणिनीय व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं संपूर्णता। पाणिनि का व्याकरण संस्कृत भाषा का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण करता है। यह उस समय की बोलचाल की मानक भाषा का तो वर्णन करता ही है, इसके साथ ही वैदिक संस्कृत और संस्कृत के क्षेत्रीय प्रयोगों का भी वर्णन करता है। यहाँ तक कि पाणिनि ने भाषा के सामाजिक भाषिक सोशियोलिंग्विस्टिक प्रयोग पर भी प्रकाश डाला है। संक्षिप्तता। पाणिनि का व्याकरण संपूर्ण होने के साथ ही इतना छोटा है कि लोग इसे याद करते आए हैं। प्रयोग सरलता सामान्य। यद्यपि पाणिनि ने अपना व्याकरण संस्कृत के लिए रचा किंतु इसकी युक्तियां और उपकरण सभी भाषाओं के व्याकरण के विश्लेषण में प्रयुक्त की जा सकती हैं। अन्य विशेषताएं वाक्य को भाषा की मूल इकाई मानना ध्वनि उत्पादन प्रक्रिया का वर्णन एवं ध्वनियों का वर्गीकरण सुबंत एवं तिङन्त के रूप में सरल और सटीक पदविभाग व्युत्पत्ति प्रकृति और प्रत्यय के आधार पर शब्दों का विवेचन अष्टाध्यायी में वैदिक संस्कृत और पाणिनि की समकालीन शिष्ट भाषा में प्रयुक्त संस्कृत का सर्वांगपूर्ण विचार किया गया है। वैदिक भाषा का व्याकरण अपेक्षाकृत और भी परिपूर्ण हो सकता था। पाणिनि ने अपनी समकालीन संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा सर्वेक्षण किया था। इनके शब्द संग्रह में 3 प्रकार की विशेष सूचियां आई।